यहाँ से ये चेक करो यार, ये देखो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इतनी ऊंची आवाज में तुम्हारा भाई इंट्रो कर रहा है, पता है कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ ये एक दरख्त है, मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है जिस पे मैं आया हूँ, और वो रोड बहुत दूर है। अभी मैं तुम लोगों को यहाँ से वो मोनूमेंट भी दिखाता हूँ पाकिस्तान का, तक को कितना करीब नजर आ रहा है यार। सस्ती पंजाबी को इग्नोर करना है। एनीवेज वेलकम हो गया तुम लोगों का एक न्यू व्लॉग में। अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, और सब्सक्राइब करके वो जो घंटा होगा ठीक है उसको ऑल पे कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन तुम लोगों को हर व्लॉग की रिसीव हो जाए करे। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इस्लाम बाद का प्यारा सा वेदर, माशाल्लाह ये देखो काले काले बादल आए हुए हैं। खैर इन बालों को इग्नोर करना यार, मैं ऐसा जुमा पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद में फारिग हो गया यहाँ पे इंट्रो करने के लिए। मैंने कहा तुम लोगों को आज इतने दिनों बाद का व्लॉग ही दे देते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ दुकान पे आया हुआ था। हमारी दुकान के साथ है एक और डेंटर की दुकान, जहाँ पे आई हुई है फुल एक्सीडेंट कार। अल्टो का जो न्यू मॉडल है ना वो वाली, ठीक है अभी जाते हैं। मुझे नहीं पता यार उसमें कितने पैसेंजर थे, क्या सीन हुआ, कोई कुछ पता नहीं है। जाके उन अंकल से पूछते हैं जिनकी दुकान है, उनके पास जो गाड़ी आई है उसके बारे में जाके मालूम लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आओ, जो खाना भी खाना है चलते हैं। 5 मिनट्स लेटर। हाँ यार मैं दुकान पे आ चुका हूँ, और अभी अपनी ना वो वीडियो देखने के बाद इंट्रो वाली ना यकीन जानो मेरा A to Z ब्लड प्रेशर ना ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि उसमें सारे बाल खराब हो, और वीडियो का मजा जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है तो यार ये आप लोग देख सकते हो, ये वाली गाड़ी नहीं है यार। टकपाल वगैरह लगाया हुआ है ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ चारियाँ रंग होती हैं, ये गाड़ियों की मार्केट है, और इस हवा से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कितनी प्यारी हवा भी चल रही है। मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ, उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा डाल दिया, जो दुकान वाले अंकल थे ना, तो पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने कपड़ा डाल दिया। यार ये गाड़ी है यार, ये चेक कर सकते हो, सही ना मतलब पेट डाला हुआ है। ये हल्की से मैं आपको झलक वगैरह दिखाता हूँ, ये चेक करो दरवाजा वगैरह बिल्कुल अंदर वाड़ चुके हैं इसके, ये देखो। ओए हो कितनी गलत कंडीशन हुई है इसकी यार, ये देखो। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, बाकी अंकल अभी आते हैं ना दुकान वाले ठीक है, तो कपड़ा उतारते हैं इसका, फिर मैं आप लोगों को ना सारी दिखाऊंगा। और आप लोगों के लिए अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक सरप्राइज भी होगा, हल्की से मैं आप लोगों को उसकी झलक दिखाऊंगा, वो चेक करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को कंप्लीट दिखाऊंगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मौसम जैसा कि मैंने तुम लोगों को व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था बहुत मज़े का हो गया, और अभी देखो शाम हो रही है और हवा वगैरह इतनी प्यारी चल रही है ना, इतनी तेज़ हवा चल रही है, काले बादल आ गए थे और पत्ते छत्ते इधर थे, आई लच्ची अंकल तो नहीं आए, ये लोग ज़रूर आ गए थे। मैंने कहा इनकी भी प्रमोशन करते हैं, इनको भी व्लॉग में लेके आते हैं, तो ये रैली वगैरह भी जा रही थी, इनकी वीडियो शूट बनाई है मैंने। यार अंकल का इंतज़ार कर करके ना यकीन जानो और 5-10 मिनट ना मगरिब की जाने हो जाएंगी, बिल्कुल शाम पड़ चुकी है, अभी अंधेरा भी हो जाएगा, और फिर अंधेरे में वीडियो का क्लिप ही नहीं निकलता। तो मैं सोच रहा हूँ अंकल तो आए थे, वो दुकान बंद करके ताले लगा के पुरबाश हो गए, यहाँ से गायब हो गए। आहा अभी खुद यही इसका ना कपड़ा उतारते हैं, क्योंकि उन्होंने ना बांधा हुआ ठीक है कपड़ा उतारते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, अगर उतर गया तो अच्छी बात है यार। तो यार कपड़ा उतार लिए मैंने, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इसकी कंडीशन वगैरह, ये चेक करो यार, ये देखो। यानी कि इतनी ज़ोर से लगी है कि इसकी ये जो सामने वाली स्क्रीन होती है बिल्कुल अंदर ही चली गई, और अंदर ही देखो इसके ज़रात वगैरह भी गिरे हुए हैं ठीक है। बाकी यार मुझे नहीं पता कि यार पैसेंजर्स की क्या हालत हुई होगी, यहाँ से तुम लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि यार कितनी बुरी लगी है, ये देखो। ओए ये सारी जगह अंदर इसकी चली गई है ठीक है, इसकी सस्पेंशन वगैरह ख़राब हो गई है, इसकी स्क्रीन उड़ गई है, बोनट की कंडीशन तुम लोग देख सकते हो, आगे फ्रंट वाली तो चीज़ ही नहीं है। यहाँ से मैंने कपड़ा इसलिए नहीं उतारा, यहाँ से ऑलमोस्ट ठीक है गाड़ी ठीक है, और यार खुद सोचो क्या क्या कंडीशन हुई होगी, जो फैमिली अगर हुई फैमिली हुई हो इसमें तो उसकी क्या कंडीशन होगी, या फिर कोई भी हुआ इसमें, क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग सारी ना टूट चुकी है ठीक है। और ये देखो दरवाजे वगैरह सारे इसके डैमेज हैं, टायर इसके बिल्कुल मुड़ गए हैं, बिल्कुल ऐसे थे ना तो ऐसे हो गए, उधर का टायर भी ऐसा ही हो गया। बाकी यार मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से इसकी वीडियो बनाएं, ये लास्ट मोमेंट आप लोग चेक करो इसका। बैक से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बैक पे हाँ बैक से भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बैक का भी शीशा वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये देखो। ओहो बहुत ख़राब कंडीशन हुई है यार इसकी। तो अभी डालता हूँ इसके ऊपर मैं कपड़ा, आज जल्दी जल्दी से कपड़ा डालने से पहले कोई देख ले मुझे। जहाँ तक मेरा आइडिया कि ये ना किसी सपाटर के हाथ लगी होगी, लाइक इसकी मैंने फ्रंट वाली ना आगे लाइट देखी है जो फ्रंट पे लगी होती है ठीक है, एक लाइट इसकी डैमेज थी जो उतरी हुई थी और एक लगी हुई थी,
उसके ऊपर ना ब्लैक कलर का रैप हुआ हुआ था और मतलब कि रेड कलर का कुछ लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा नहीं है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया, क्योंकि आपको पता ही है आजकल के जो लोग होते हैं शो, वो उन्होंने ना गाड़ियों को भी मोटरसाइकिल बनाया होता है, जिस तरह के वो भाई यहाँ पे रिमोट वाली गाड़ी चला रहे हैं। खैर मुझे नहीं पता है, नहीं वैसे बाकी यार मेरी यही दुआ है कि अगर अल्लाह ना करे मतलब कि कुछ पैसेंजर्स को हुआ है तो वो अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, नमाज का टाइम भी हो चुका है और अंकल का मुझे इंतजार था। मैंने तुम लोगों को बताया था उनसे सवालात वगैरह करेंगे, उन्होंने मुझे बिल्कुल गोली कराई है, साफ सफेद गोली। शाबाश बेटा। अभी जाता हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के बाद मैं सीधा घर जाऊंगा और अगर तुम लोगों को मेरी कंडीशन कोई एमी सी नजर आई तो उसको इग्नोर मारना, क्योंकि काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, को मैंने खत शत कोई नहीं कराया, बाल छल कोई नहीं कटवाया, ठीक है। और अभी ये दुकान के कपड़े थे, बाकी आओ नमाज पढ़ के आते हैं। The next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के दिन मैंने आप लोगों को उस गाड़ी की कंडीशन दिखाई थी, आके मैं सो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। अभी अगले दिन की शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट और बारिश हुई थी आज रात को, ठीक है। बारिश का एक फ़ायदा ज़रूर होता है, अगले दिन गर्मी तो होती होती है लेकिन उससे जो छत की कंडीशन होती है ना बहुत ज़्यादा ही ना कोई साफ हो जाती है। आसमान की तरफ अगर देखा जाए तो आसमान गुड्डों से रंगीन हुआ हुआ, थोड़े थोड़े गुड्डे वगैरह भी उड़े। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे अपना कल वाला ये वाला व्लॉग, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तुम लोग बेल आइकन लाजमी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई तो उसके लिए काइंडली सॉरी, कोई बात अच्छी लगी हुई तो लाइक लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, फिर मानी लाबा बटे के एंड लव।